नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन लाइव मार्केट दिखाऊंगा, तो इसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन का एनालिसिस करूंगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूँ, बाइंग सेलिंग लेवल्स ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन दिखाता हूँ, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मेरा मैंने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा चार्ट का स्ट्रेटजीज है, सेटअप्स है, जो स्ट्रेटजी आप लोगों को दिखाऊंगा वो आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जरूर देखिए। सब जो यूट्यूब का लिंक है वो आप लोग देख लीजिए, तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड कर सकता है, इसमें आप लोगों को बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सिखाया जाएगा, ठीक है। और एंजल बुकिंग आस्था टेड डेलिस ब्लू आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उधर से आप लोग बहुत आसानी से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकता है और मेरी तरफ से भी बेनिफिट दिया जाएगा। आप लोग मेरा ट्रेनिंग मॉड्यूल या कॉल सर्विस लेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट दिया जाएगा। तो देखिए, मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ, ठीक है। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट पहले दिखाता हूँ, तो देखिए निफ्टी का डेली का चार्ट ओपन किया हूँ, तो 5 मिनट का चार्ट, तो देखिए इधर से ये 849 में ओपन हुआ था, 849 ही इसका हाई था, इसके बाद सीधा नीचे गिरा है और इधर से एक सुनसानदार एक ट्रायंगल शेप बना है, जिसका ये इधर तक आएगा तो इसका ब्रेक करता था, लेकिन अभी ये जो है ये ऊपर जाके ये साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। अभी इसका जो रेंज है 14607 से 14695 के अंदर ये घूम रहा है, ठीक है। तो 14695 ब्रेक होके एक कॉन्फर्मेशन कैंडल देगा, तो 5 मिनट का कॉन्फर्मेशन कैंडल देगा तो इसका ऊपर ये बाई हो सकता है। नेक्स्ट इसका लेवल हो सकता है 34695, इसके ऊपर का जो लेवल दिख रहा है 34736, इसके ऊपर 34775, ठीक है, इसके ऊपर 34815, ठीक है। और नीचे इसका इसका नीचे जो है इसका नीचे का जो लेवल है 34600 का लेवल है, 34608 का नीचे ये नीचे जैसे जा सकता है 34574 का नीचे इसका 34541 का नीचे 34503 का नीचे, पूरा एनालिसिस आप लोग जरूर देखिए, बहुत सारा चीज़ दिखाने का इरादा है। 34461 का नीचे चौदह हज़ार चार सौ इकसठ का नीचे ये जाएगा तो इसका नेक्स्ट हो सकता है 14375 और इसका नीचे 14254, ठीक है। 14294 का नीचे और भी लेवल है 14189, 34767 उसका नीचे 13980, इसके नीचे 13750। एनीवे अच्छा, इसके बाद बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा लेता हूँ। मेरा नेट में थोड़ा सा दिक्कत है इसीलिए पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा नेट इसको चार्ट को आने दीजिए, इसके बाद मैंने दिखाऊंगा। अच्छा, बैंक निफ्टी देखे तो 32852 के ऊपर ये ऊपर जाएगा, 33013 के ऊपर 33075 के ऊपर 33230 33375 34004 ये सब अपसाइड का लेवल हो सकता है, डाउन साइड में 33632 का नीचे जाएगा 33330 तक ये आ सकता है, ठीक है। और भी एक कुछ चीज़ आप लोग को सामने लेकर आऊँगा। देखिए निफ्टी 678 हो गया है, 600
52 का लेवल बोला था, 654 का लेवल से 678 की का रहा, ये 852 के ऊपर ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी देखते हैं कितना दूर तक जा सकता है, 674 तक गया है, लेकिन मैंने क्या बोला है कि आप लोगों को नीचे है तो अप साइड में जब जाएगा तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि इसका ट्रेंड इसका अभी डाउन साइड में चल रहा है, मैंने इधर से दिखाता हूँ आप लोग को। इधर से एक चैनल मैंने ड्रॉ करूँगा तो इधर से आप लोगों को पता चलेगा, इधर से एक चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इतना दूर तक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका इस चैनल के अंदर ये चल रहा है, ठीक है। तो इसका ऊपर जब ये चाहे नीचे, और नीचे का जो है, नीचे का जो है इधर से इस चैनल का है, इधर से एक चैनल लेता हूँ, सॉरी इधर से एक चैनल ले लेता हूँ, इधर से एक चैनल लेता हूँ, इधर से एक चैनल, चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, नेट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है। इधर से आप लोग देख सकते हैं, अच्छा जो जो कुछ भी दिखाना है आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इधर से मैंने ऑप्शन चेन को एनालिसिस करता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा जो आप लोग भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा है। ऑप्शन चेन में जाता हूँ, थोड़ा सा धीरज रख के आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो देखिए इधर से पीसीआर रेशियो 0.63 0.64 के आसपास हो गया है, ठीक है, और 14700 में इसका रेजिस्टेंस बना है, 14600 में सपोर्ट, ठीक है। अच्छा इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 14700 में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस गिरा है, ठीक है, और इधर से वॉल्यूम भी बढ़ा है, प्राइस गिरा है, ठीक है, और इधर से लेकिन इसका मैंने 25 देख रहा था, इसका आईवी थोड़ा सा मतलब इसका आईवी भी गिरा है, कॉल साइड का आईवी गिरा है, ठीक है। तो इधर से इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, तो ये सब चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना हो पड़ता है। और इधर से पुट लॉन्ग हो रहा है, पुट लॉन्ग हो रहा है, तो पुट लॉन्ग होने से इसका इसका भी देखिए आईवी बढ़ गया है, आईवी बढ़ गया है, पीसीआर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ठीक है, और 14500 का लेवल पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिख रहा है, ठीक है, 14 इधर से 14800
लेवल में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इधर से कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो मार्केट नीचे जाने वाला ही है। वो अप साइड में जा रहा है, लेकिन अप साइड में ही इतना दूर तक नहीं दिखाएगा। और भी जो चीज़ दिखाना है, इंडिया विक्स को एक बार, करेंट इंडिया विक्स को देख लूँगा, इंडिया विक्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए इंडिया विक्स पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। इस टाइम आप लोग को ऑप्शन बाई करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। तो पुट को ही बाई करेंगे। अच्छा, इस रेंज एक बार हम लोग इधर से देख लेते हैं, इसका कितना है। देखिए 21.30 इंडिया विक्स चल रहा है, ठीक है, 21.30 इंडिया विक्स का वैल्यू है, और इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, सोच लीजिए 14,665। तो अभी आज का डेली रेंज हम लोग देखेंगे, आज का डेली रेंज हो सकता है 14,861 से 14,468, ठीक है। तो अभी कि मतलब ये पिवट पॉइंट का आसपास है, और हम लोग देखेंगे। और भी एक चीज़ देख लेते हैं, ऑलरेडी इसका 200 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी 200 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, ऑलरेडी 200 पॉइंट का मूवमेंट इसका हो चुका है। तो इसका और कितना मूवमेंट इसका बाकी रह गया वो आप लोग देख लेते हैं। मैंने इसको एक बार सेट कर देता हूँ, आप लोग को इसका फिर से चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने रेगुलर बेसिस एक्सरसाइज करता हूँ। देखिए एवरेज डेली रेंज, मतलब 10 दिन का डेली रेंज, बैंक निफ्टी का मैंने फिर इंडेक्स का देखता हूँ, ये दोनों फ्यूचर का है। बैंक निफ्टी का है 974 पॉइंट और इसका 260 पॉइंट। तो ऑलरेडी देखिए इधर से इसका आज का निफ्टी का आज का हाई गया था 14,849 और 14,459, ठीक है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूवमेंट आज इसका हो गया है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब अप साइड में जाने का मतलब ये अभी पिवट पॉइंट पे है, 14,600 का लेवल पे है। तो इसका हम लोग को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो मैंने एक वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस से दिखाऊंगा, तो इसीलिए मेरे को आप लोग को तो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दिया, आप लोग देख लिया है। अप साइड में ब्रेक होने के बाद ये 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर गया था, 14,676 तक गया था, ठीक है, 20-22 पॉइंट का मूवमेंट अप साइड में देखा है। और भी एक दूसरा तरीका दिखाने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, तो आप लोग धीरज रख के पूरा देखिए। तो आप लोग को वो मीडिया नेगेटिव है, जब पॉजिटिव होगा तो अभी ऑप्शन बाइंग के लिए सोचेंगे, नहीं तो आप लोग को मतलब जब साइडवेज मूवमेंट करेगा तब आप लोग को नेगेटिव है या साइडवेज है, तो आप लोग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। इधर से मैंने निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, निफ्टी हम लोग ले सकता है, ठीक है। तो इसका आ गया है, पहले देखिए मैंने पहले आज का दिन जो पहले शुरुआत हुआ था उसका देखता हूँ, ठीक है। इधर से एक पहले बियरिस कैंडल, 5 मिनट का कैंडल बियरिस बना था, तो इधर से इसका बियरिस बनाने के बाद हम लोग को एक देखना पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस कैंडल, ठीक है, रेजिस्टेंस कैंडल। इसके बाद ये नेक्स्ट हम लोग को देखना है कौन सा बियरिस कैंडल 5 मिनट का हाई गया था। तो ये है रेजिस्टेंस कैंडल, इधर से इस ये जो कैंडल है तो इसका ये है रेजिस्टेंस कैंडल। तो आज का जो हाई है, तो उस टाइम जो इंटरडे हाई था वो रेजिस्टेंस बन गया है। अभी हम लोग को सपोर्ट कैंडल ढूंढना है, सपोर्ट कैंडल ढूंढने के लिए एक बुलिश कैंडल हम लोगों को देखना है, ठीक है। इधर एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, लेकिन इसके बाद इसका 5 मिनट का कौन सा बुलिश कैंडल अगला 5 मिनट का कैंडल से हाई गया है। तो इस कैंडल का ये जो कैंडल है इसमें अगला 5 मिनट का कैंडल से हाई है, ठीक है। इधर से इसका जो है ये सपोर्ट कैंडल बन गया, ठीक है। अब फिर हम लोग को देखना है ट्रेंड, ट्रेंड हम लोग को देखता है क्लियरली, नीचे दिख रहा है ये लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है।
नीचे का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो नीचे का अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए हम लोगों को एक सेलिंग का प्लान, हम लोग को एक बायर स्ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है, ठीक है। सोच लीजिए, इधर से बायर स्ट्रैपिंग कैंडल के लिए एक बियरिश सॉरी बुलिश कैंडल देखना है, बुलिश कैंडल देखना है। तो बुलिश कैंडल देखने के लिए इसका अगला 5 मिनट का कैंडल से कौन सा बुलिश कैंडल जो अगला 5 मिनट का कैंडल के ऊपर हाई हाई मतलब अगला 5 मिनट कैंडल से उसका वॉल्यूम हाई हो, ठीक है। तो एक बार दिखाता हूँ इसको आप लोग को, 1 मिनट इसको ऊपर लेता हूँ। तो ये है ट्रैपिंग कैंडल, हम लोगों को मिल गया। देखिए ये अगला ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है अगला 5 मिनट का कैंडल का हाई है, ठीक है। तो 14681 इसका लो है, जो 14681 के लिए नीचे हम लोग सेलिंग करेंगे। नेट चल जाता है इसलिए प्रॉब्लम होता है, पास कर ले। तो इधर से देखिए 14681 के नीचे नीचे जाएगा, ठीक है, और 14739 के ऊपर ऊपर जाएगा। और इस कैंडल का वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, बाइंग करेंगे तो सेलिंग वॉल्यूम को देखना है। तो सेलिंग वॉल्यूम मतलब सेलर स्टैपिंग कैंडल, तो इसके ऊपर 14711 से ये 14728 तक ये गया था, लेकिन एक्चुअली 14739 के ऊपर ही ऊपर जाएगा। 14681 नीचे आ नहीं आया है, देखते हैं 14681 के नीचे आएगा तो 14643 तक इसका टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट। देखते हैं कुछ टाइम, मैंने थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूँ, इसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। एक्शन आप लोग को समझ में आ गया है। तो पहले इसका आज का दिन में इसका जो हाई था, इसका जो सबसे ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम था, ठीक है, ये इधर देखना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस हो गया है। उसके बाद एक बुलिश बियरिश कैंडल देखना है, सॉरी एक बुलिश कैंडल देखना है, ये सपोर्ट बन गया है, ठीक है, सपोर्ट बन गया है। उसके बाद ये ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देखने का है तो ट्रेंड नीचे है, तो हम लोग को एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बार स्ट्रैपिंग कैंडल देखना है, बार स्ट्रैपिंग कैंडल इधर मिल रहा है, इसका ये जो इसका इस हाई है इस कैंडल से, ये इसका वॉल्यूम 5 मिनट का अगला 5 मिनट का कैंडल से सॉरी पिछले 5 मिनट का कैंडल से इसका ज़्यादा है। तो ये 681 के नीचे सेलिंग रहेगा और 719 इसका हाई जो है इसमें स्टॉप लॉस रहता है। और इधर से ये जो हम लोग एक बस बाइंग करेंगे तो एक बेयरिश कैंडल देखना है, बेयरिश कैंडल इसका हाई के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, इसका लो सेलिंग करेंगे। 719 में इसका बाइंग रहेगा और 719 में टैपिंग मतलब 712 में स्टॉप लॉस रहेगा। और इधर से जो ये इस कैंडल में भी वॉल्यूम हाई था, सेलिंग वॉल्यूम हाई था, इसके ऊपर भी हम लोग बाई कर सकते थे। बाई करने के बाद इसका 711 इसका हाई था, 14711 के ऊपर ये ऑलरेडी 14828 तक गया था। और इसका स्टॉप लॉस बनेगा, इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो है 14686, ठीक है। तो देखिए क्या होता है मार्केट में, 14681 के नीचे सेलिंग, 14739 के लिए ऊपर और भी बाइंग, ठीक है। अभी एक बाइंग चल रहा है इसका 14711 के ऊपर, ठीक है। और मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कैसे काम किया वो भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, फिर से जब ये कुछ लेवल आएगा तो आप लोग को दिखाऊंगा। 14681 का नीचे आता है क्या 14739 के ऊपर जाता है तो आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा। दोस्तों देखिए इधर से आईवी कॉल साइड का भी आईवी बढ़ गया है और पुट साइड का भी आईवी बढ़ गया है, मतलब आड्डा मनी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी आईवी वॉल्यूम और चेंजिंग ओपन ट्रेडर्स मैंने आड्डा मनी का ही बात करूँगा, ठीक है। तो 14600 इधर आईवी बढ़ गया है और 14600 का भी इधर से आईवी बढ़ गया है, 23 का था 24 का रेंज में अभी है। तो अभी ऑप्शन बाइंग हो सकता है, पुट बाइंग हो सकता है या कॉल सेलिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जब आईवी साइडवेज चलेगा तो प्रीमियम डिकेगा, ठीक है, डिके होगा। तो इधर से देखिए अभी तक इसका 681 का नीचे नहीं आया है, उसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। देखते हैं 681 का नीचे आता है तो क्या होता है, आएगा तो दिख सकता है हम लोग। 691, 692, 694 यही चल रहा है,
एक बार 699 688 आया था। देखते हैं, लगता है साइडिस करके ये खत्म हो जाएगा। इधर से एक सप्लाई जोन था, ठीक है। इधर से जो सप्लाई जोन है 685 से 14,607 तक इसका रेंज का बाहर आया था, लेकिन टिक नहीं पाया, फिर से ये रिकवरी कर लिया है। तो देखना पड़ेगा इस सप्लाई जोन का, फिर से ये बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अभी तक अंदर नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सा अंदर आता है तो फिर से बाहर हो जाता है। इधर से ही सपोर्ट ले रहा है इसका, ये एक बाइंग जोन है, ठीक है। देखते हैं 681 का नीचे एक बार जाएगा तो आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, कितना दूर आ सकता है, देखते हैं। 688 चल रहा है, 188 का नीचे नहीं आ रहा है ये, देखते हैं। थोड़ा सा पास कर लेता हूँ। अभी एक बार एक 681 का नीचे आया था, 680 गया था, ठीक है। अभी देखना पड़ेगा, कितना नीचे या कितना ऊपर चला जाए। 719 इसका स्टॉप लॉस, इस कैंडल का हाई है 600 719, ठीक है। तो इस कैंडल का हाई में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। देखते हैं वो जस्ट मार्जिनली क्रॉस के ये निकल जा सकता है अप साइड में। CIC चल रहा है, 684, 687, 685, 684। देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल भी, नेक्स्ट कैंडल इसका 3:10, नेक्स्ट कैंडल भी रेडी बना है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, निकल जा रहा है ऊपर। 90, 91, थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। थोड़ा सा डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है अभी। इधर से इसका लो हल्का सा ब्रेक हुआ था 680, इसका 681 इस कैंडल में, ये 687 इस कैंडल में, 687, 688 कहाँ ब्रेक किया, 680 कहाँ, नहीं 680 81 अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है दोस्तों। हम लोग इधर से देखेंगे तो देखिए 712 इसका लो, नेक्स्ट कैंडल का लो है 686, 686, 699, 600 इस कैंडल में 687 तक आया था, अभी तक 681 ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी तक इसका मतलब एक्टिवेट नहीं हुआ है, ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ है। इस कैंडल में क्या हुआ था, इस कैंडल में 686 इसका लो गया था। देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मार्केट साइडवेज ही मूवमेंट दिखा है, ना ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया। उधर से 680 में ट्रेड लेता था तो थोड़ा सा लॉस में निकल जाता है, लेकिन आप लोगों को पहले दो नल दिया था। मेरा इधर से थोड़ा सा गलत अजम्पशन हुआ था, ये सब ट्रेंड लाइन के ऊपर था तो सेलिंग का साइड में जाना ठीक नहीं रहता था। तो लॉस एक पार्ट ऑफ द गेम होता है, तो जब लॉस जब प्रीडिटरमाइंड रहता है
तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहता है। तो होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।